फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही प्यारा सा बेबी सेट। तो मस्टर्ड कलर में मैंने ये बेबी बॉयज़ के लिए सेट बनाया हुआ है बहुत आसान तरीके से। इस तरीके से देखिए, दो बटन वाला ये जो है स्वेटर बनाया है, स्पेशल बॉयज़ के लिए बनाया है जिनकी एज है 1 से 2 साल के बीच में, और बहुत आसान तरीके से बनाया है। और वीडियो में मैं इस स्वेटर की जो है पूरी मेजरमेंट, स्टिचेस और ये जो पैटर्न मैंने यूज़ किया हुआ है वो सब मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। वूल कौन सी ली है, कितनी ली है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपको ये बेबी सेट पसंद आता है तो आज की वीडियो को फॉलो करके आप इस तरीके से बेबी बॉयज़ के लिए बेबी सेट जो है बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है। अगर आपको पसंद आता है तो बनाइए, और चलिए देखते हैं आप आगे इसे कैसे बनाना है। तो इस डिज़ाइन को देखिए, यहाँ पे जो है मैंने डाला हुआ है इस तरीके से, ये इस तरीके से बॉक्स बनाता है और ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो है 16 रोज को फॉलो करना है। 16 सिलाइयों में हम इसे बनाएंगे। हम इसे रॉन्ग साइड से बनाना शुरू करेंगे, फ्रंट साइड पे हमारी 16 रो होगी। और ये देखिए बहुत अच्छा ये डिज़ाइन इस तरीके से बनता है। और इसी डिज़ाइन को जो है हम हाफ बना सकते हैं। अगर हम सिर्फ वी का डिज़ाइन जो है बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हम जो है बना सकते हैं। तो ये मैंने जो है एक प्रोजेक्ट में जो है बेबीज़ के लिए एक प्रोजेक्ट है इसमें जो है इस तरीके से बनाया हुआ है। इस तरीके से भी इसमें डाला है और इस तरीके से भी डाला हुआ है। तो मैं आपको वीडियो में जो है बताऊंगी कि इस तरीके से बनाना है तो कितनी रोज़ हमने फॉलो करनी है। और ये जो है 16 रोज़ का पैटर्न है। तो इसके लिए हमने देखिए फंदे किस तरीके से लेने हैं। यहाँ पे ये जो सीधे सीधे फंदे जिस पर हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, ये 10 फंदों का डिज़ाइन है और दो डिज़ाइंस के बीच में हमने दो फंदे उल्टे रखे हुए हैं। इन्हें हमने फ्रंट साइड से जो है उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस तरीके से देखिए 10 + 2 = 12 फंदे बनते हैं। तो 12 के मल्टीपल में हमने जो है फंदे लेने हैं। आप जो है ये बॉक्स और बड़ा भी बना सकते हैं, 12 फंदे ले सकते हैं, ये 14 फंदे ले सकते हैं। अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 ये फंदों पर ये डिज़ाइन बनाएंगे, इतने जितना आपको देखिए दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो 12 के मल्टीपल में फंदे लीजिए और लास्ट में जो है दो फंदे और बनाइए। तो रॉन्ग साइड जो है सारी की सारी इजी है, ये हमने सारी की सारी उल्टी उल्टी बनके कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड पे हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। ये डिज़ाइन जो है वो हम फ्रंट साइड पे डालेंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है और ये हल्का सा खुलने वाला डिज़ाइन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंदे आप मत बनाइएगा। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बार जो है डिज़ाइन ये बना के बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 12 + 2 = 14 फंदे, 14 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हुए हैं। बॉर्डर आप अपनी मनपसंद बना सकते हैं, कैसा भी बनाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए अब हम रॉन्ग साइड से इसे बनाना शुरू करेंगे। रॉन्ग साइड पे पहला फंदा हम बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड पे देखिए सारी सिलाई जो है हमने उल्टी उल्टी बुननी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रॉन्ग साइड पे हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं डालना है। हम रॉन्ग साइड पे सारी सिलाइयाँ इस तरीके से उल्टी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया है, अगर आप बुनना चाहते हैं उसे तो बुन सकते हैं। रो 1 रॉन्ग साइड पे सारे फंदे हमने इस तरीके से उल्टे बुन लिए हैं। और उसके बाद अब हम फ्रंट साइड पे, अब देखिए अब ध्यान दीजिए किस तरीके से हमने डिज़ाइन को शुरू करना है। तो एच स्टिच हम करेंगे स्लिप, उसके बाद एक फंदा बुनेंगे उल्टा।
तो ये स्टिच से के आगे जो है ये हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है 12 फंदों का। एक फंदा हमने जो है उल्टा बुनना है, धागा हम पीछे कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम देखिए क्या करेंगे, 1 2 2 फंदे के आगे जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे हमने सिलाई डाल के एक लूप निकालना है। ऐसे हल्का सा लूज रखेंगे, बहुत टाइट नहीं रखना है, बहुत लूज नहीं रखना है इसे। इसके बाद ये हम लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिलाई पर लगा लिया। अब हमने धागे को करना है आगे, और अब ये लूप जो है ये आगे वाले फंदे के साथ इस तरीके से हमने साथ में बुनना है उल्टा। तो लूप और उसके आगे वाला फंदा हमने जो है उल्टा बुन लिया है साथ में, और आगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा हम पीछे कर लेंगे। तो ये जो है हल्का सा बबल जैसा बनता है, उभरा हुआ डिज़ाइन बनाता है ये। इस तरीके से बनाने के बाद सिर्फ 2 फंदों का डिज़ाइन है, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 एक फंदा उल्टा। तो अब देखिए यहाँ ये जो एच 6 से छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ ये हमारे 12 फंदे बनते हैं, ये हमने करते जाना है रिपीट। तो इस तरीके से रो 2 पर आप रिपीट करते जाइए, और एच 6 हम बुन लेंगे सीधा। उसके बाद रॉन्ग साइड सारी उल्टी, एक फंदा स्लिप करने के बाद फटाफट बुन लेते हैं क्योंकि सारी रोज जो है वो सिंपल है। अब हम रो 4 बनाएंगे फ्रंट साइड पे। अब देखिए हमें क्या करना है, एच 6 करेंगे स्लिप, उसके बाद एक फंदा उल्टा ऐसे, और इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम 2 फंदों पे सेम इसी तरीके से बबल बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो ये 1 2 3 2 और 3 के बीच वाले स्पेस में से हम एक लूप निकालेंगे, इसे हम लगा लेंगे सिलाई पे, धागे को कर लेंगे आगे, और लूप और आगे वाला एक फंदा हम साथ में इस तरीके से उल्टा बुन देंगे, और एक फंदा आगे उल्टा। तो ये हर बार जो है सेम तरीके से ही हमने करना है। और अब कहाँ कहाँ करना है सिर्फ इसी को आपने ध्यान से देखना है, एक बार में ही आप इस पैटर्न को सीख जाएंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे 2 फंदों पर किया, यहाँ पे भी करेंगे ऐसे। क्योंकि हर बार जो है सेम तरीके से हमने डिज़ाइन डालना है, बहुत आसान है और फटाफट बन जाता है ये वाला पैटर्न, बहुत आसानी से आप इसको सीख के बना सकते हैं। इसके बाद आप 3 फंदे सीधे, उसके बाद एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए एच 6 को छोड़ दीजिए, यहाँ से हमारे 12 फंदे जैसे हमने बनाए वैसे रिपीट करते जाएंगे, एंड में हम एच 6 बुन देंगे सीधा। रो 5 बना लेंगे फटाफट से उल्टी। अब आते हैं फ्रंट साइड पे, बनाएंगे रो 6। पहला फंदा एच 6 हम कर रहे हैं स्लिप, उसके बाद एक फंदा बुनेंगे उल्टा। उल्टा बुनने के बाद धागा करेंगे पीछे। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस बार, 1 2 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए अब हम 3रे और 4थे फंदे पर डिजाइन डालेंगे ऐसे। लूप निकालेंगे, सिलाई पर लगाएंगे, धागा आगे करेंगे, और लूप और आगे वाला एक फंदा साथ में उल्टा बुनेंगे ऐसे। उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कर लेंगे।
अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बुन लिए। अब हम यहाँ पे दो फंदों पर ये डिजाइन बनाएंगे, उभरा हुआ लूप उठाएंगे, धागे को आगे करेंगे, सिलाई पर लगा लेंगे लूप को, धागा आगे, दो का एक ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक उल्टा, और इस तरीके से 12 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, एंड में एस स्टिच सीधा। अब हम रो 7 बना लेंगे, सारी की सारी उल्टी, उसके बाद अब आ जाते हैं रो 8 पे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे दूसरे और तीसरे फंदे पर हम ये उभरा हुआ डिजाइन डालेंगे, सेम तरीके से करना है हर बार। दो का एक, फिर एक उल्टा, अब धागा पीछे। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे हम दो फंदों पर डिजाइन लूप उठाएंगे, दो फंदों के आगे से सिलाई पर लगा लेंगे, धागे को आगे करेंगे, दो का एक करेंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये 12 फंदे हम यहाँ से यहाँ रिपीट करते जाएंगे, एंड में ऐसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो अब आ जाते हैं रो 9, सारी की सारी हम उल्टी बुनेंगे, आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। अब बनाएंगे हम रो 10, एक फंदा स्लिप, एच स्टिच को करेंगे स्लिप, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे शुरू में एक फंदा सीधा है, अब हम शुरू में ही एक फंदा उल्टा बुनने के बाद लूप बनाएंगे इस तरीके से, धागा आगे करेंगे और दो का एक ऐसे, एक फंदा उल्टा। अब हम इसके बाद 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद दो फंदों का डिजाइन डालेंगे ऐसे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो ये 12 फंदे जो है उल्टे फंदे से शुरू, उल्टे फंदे पर खत्म, ये 12 फंदे करते जाएंगे रिपीट, और एंड में ऐसे हम बुनेंगे सीधा। आप 11th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये यहाँ तक देखिए हमने 10 सिलाइयाँ जो बनाई हैं, इसमें हमारा ये इस तरीके से वी का ये डिज़ाइन बनता है, वी शेप में ये डिज़ाइन हमारा उभरा हुआ बनता जाता है। और देखिए अगर आपको ये वाला डिज़ाइन, अगर ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप इन्हीं 10 सिलाइयों को रिपीट करते जाइए और इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। और अब मैं जो है ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ये पूरा ये कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमने आगे 6 सिलाइयाँ और हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उन्हें भी बना लेना है। तो अब जो है हम 11th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे 12th रो, एक फंदा एच स्टिच को करेंगे स्लिप, धागा करेंगे आगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
धागा पीछे करेंगे। अब हमने एक फंदा जो है सीधा बुनना है। उसके बाद अब हम एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब दो फंदों के आगे से लूप उठाएंगे, ऐसे धागा आगे करेंगे, दो का एक ऐसे करेंगे। उसके बाद चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये 12th रो पे हम जो है 8th रो को जो है रिपीट कर रहे हैं। चार फंदे सीधे बना लिए, अब दो फंदे नेक्स्ट जो आए हैं उन पे हम डिजाइन डाल देंगे। इन दो फंदों को आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली अगर डालना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली यूज़ करें इसे, और वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। और अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। और देखिए एच स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे 12 फंदे हमने जैसे बनाए हैं ये रिपीट करने हैं। उसके बाद एच स्टिच को हमने सीधा बुनना है। तो अब हम जो ये रॉन्ग साइड पे हमारी नेक्स्ट रो आती है 13th रो, इसे हम पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे 14th रो। तो 14th रो पे जो है हमने रो 6 को रिपीट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, हम एक फंदा स्लिप किया एच स्टिच, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, उसके बाद दो फंदों पर डिजाइन डाल देंगे लूप उठा के ऐसे, धागा आगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे पहले लूप का और एक फंदे का, फिर एक फंदा उल्टा ऐसे। तो उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद दो फंदों पर फिर से उभरा हुआ डिजाइन डाल देंगे ऐसे, धागे को आगे करना है ये इस तरीके से, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा इस तरीके से, और एच स्टिच हम बुन लेंगे सीधा। तो अब ये 15th रो मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो अब देखिए अब आ गए हम लास्ट रो पे, 16th रो है। 16th रो पे हमने रो 4 को रिपीट करना है। एच स्टिच को करेंगे स्लिप, एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागे को आगे करके, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, उसके बाद दो फंदों पे डिजाइन, ऐसे। और अब ये दो फंदों को हम यहां पे फिर से रिपीट करेंगे। ऐसे फिर दो फंदे सीधे, एक दो, सॉरी तीन फंदे सीधे हैं, उसके बाद एक फंदा उल्टा और एच स्टिच हम बुन लेंगे सीधा। तो ये देखिए यही 16 रोज हमने रिपीट करते जाना है। और जब हम रिपीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है सिंगल बबल जब बनेगा तो ये हमारी डिब्बी पूरी कंप्लीट होगी और नेक्स्ट डिब्बी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो यही आप 16 रोज आप रिपीट करते जाए, बहुत आसान डिज़ाइन है, बिगनर्स भी इसे एक बार में ही सीख जाएंगे और बहुत आसानी से इसे अपने प्रोजेक्ट्स पर डाल सकते हैं। तो ये आप डिज़ाइन जो है मैंने कैसे यूज़ किया है बच्चों के प्रोजेक्ट पे ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो है देखिए मैं आपको वूल के बारे में बता देती हूँ। ये जो वूल है ये मैंने ली हुई है गंगा की, फेजा वूल है।
तो ये मैंने ऑलमोस्ट जो है 250 ग्राम ली हुई है, और ये इस तरीके से वूल है, मस्टर्ड कलर में लिया हुआ है। मैंने इसी वूल पे एक और प्रोजेक्ट जो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, बहुत खूबसूरत बना था। तो ये जो वूल है ये हम देखेंगे तो ये इस तरीके से 2-ply वूल है, इस तरीके से। तो मुझे ये जो वूल है अच्छी लगी, और आप देखिए इस वूल को मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, फ्रंट का है और ये बैक का है। तो मैं पहले फ्रंट के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें देखिए मैंने डबल फंदे जो है कास्ट ऑन करे हुए हैं, और उसके ऊपर जो है ये बॉर्डर बनाया हुआ है, एक सीधा एक उल्टे का। तो यहाँ मैं पैटर्न के हिसाब से ही नीचे फंदे कास्ट ऑन कर लिए थे, 74 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद ऊपर मैंने यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कोई फंदों को इंक्रीज नहीं किया हुआ है, और डायरेक्ट जो है वो पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वी शेप में इस डिजाइन को बनाया हुआ है, आप किसी भी शेप में इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो ये उभरा हुआ डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए इसमें आपको क्लियर विजिबल है कि कितना उभरता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है 10 रोज को रिपीट करते करते जो है मैंने ये इस तरीके से आगे वाला जो हमारा ये पल्ला है इसमें मैंने सारे में डाल दिया है जहाँ जहाँ इसे पढ़ना है। और ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 बार ये डिज़ाइन इस तरीके से बनता है। तो अब देखिए मैं इसकी जो है लेंथ बता देती हूँ, और यहाँ पे मैंने ये जो है 2 बटन के लिए बटन टेक साइड बॉर्डर बनाए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने आर्म होल्स डिक्रीज किए हुए हैं, थोड़े से ज़्यादा किए हुए हैं, 4 3 2 के ऑर्डर में, दोनों साइड 4 3 2 के ऑर्डर में किए हुए हैं। और उसके बाद जब मैंने आर्म होल शुरू किए थे उसके साथ में ही जो है मैंने यहाँ पे बीचों बीच जो है 8 फंदों की पट्टी जो है वो बनाई हुई है। तो पहले मैंने ये वाला हिस्सा बनाया, उसके बाद यहाँ इस बॉर्डर के नीचे जो है 8 फंदे उठा के जो है ये वाला हिस्सा बनाया है। और इस तरीके के नेक जो है मैंने बहुत बार बताए हुए हैं, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी और वीडियोस जो है चैनल पे देख सकते हैं इस नेक के से रिलेटेड। उसके बाद देखिए जब हमारी ये लेंथ, हमारी ये वाली जो लेंथ है इसकी आधी जो लेंथ हो जाती है आर्म होल के ऊपर, देखिए ये जो टोटल लेंथ होती है उसकी आधी लेंथ जब कंप्लीट होती है तब मैं नेक जो है नेक के लिए फंदों को घटा देती हूँ। तो ये मैं नेक के लिए जो फंदे घटाए हैं वो देखिए 4 3 2 1 के ऑर्डर में घटाए हैं, दोनों साइड 4 3 2 1। उसके बाद लेंथ पूरी करी है, ऊपर कोई भी फंदा घटाया बढ़ाया नहीं है, और यहाँ पे जो है दोनों साइड मेरे पास 14 14 फंदे 14 14 स्टिचेस रह जाते हैं। तो ये मैं अब जब शोल्डर ज्वाइन करूँगी तो इन्हें जो है इसके साथ जोड़ लूँगी, और ये बीच में जो है फंदों को नेक बुनने के लिए खुला छोड़ दूँगी पीछे वाले पार्ट पे। तो अब मैं इसकी जो लेंथ है वो आपको बताती हूँ। तो ये आर्म होल कास्ट ऑन करने से आर्म होल तक की लेंथ जो है ये देखिए यहाँ पे रखी है मैंने, ये 10 इंचेस जो है ये आती है, और ये 10 इंचेस आती है बॉर्डर के साथ। उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो 6 इंचेस की लेंथ आती है, और ये देखिए इस तरीके से भी, तो ये आर्म होल के ऊपर जो है 6 इंच हमने जो है इस तरीके से बुन देना है। और अब यहाँ पे जो मैंने घटाई की है नेक की, वहां से मैं टोटल लेंथ बता देती हूँ, ये 12 इंचेस की आ जाती है। और बाकी मैं इसकी चौड़ाई जो है सिलने के बाद आपको एक बार फिर से फाइनल एक लेंथ जो है वो बताऊंगी। अब मैंने फ्रंट पार्ट जो है आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, बैक का बता देती हूँ क्योंकि इजी है इसलिए मैं वर्बल डेमो दे रही हूँ आपको। और यहाँ पे भी मैंने सेम 74 स्टिचेस को है कास्ट ऑन किया हुआ है पैटर्न के हिसाब से, यहाँ पे मैंने पैटर्न नहीं डाला है क्योंकि ये उभरा हुआ डिज़ाइन आता है, बबल की तरह बनता है, तो बच्चों को ना चुभे इसलिए
इसलिए मैंने ये पोर्शन जो है प्लेन रखा हुआ है। आप अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो मैंने बच्चों की कंफर्ट के हिसाब से पीछे इसे नहीं डाला है। तो यहाँ पे 10 फंदे सीधे सीधे और बीच के 2 फंदे उसी तरीके से चलाए हैं और लेंथ सेम। और ये देखिए आर्म होल सेम 4 3 2 4 3 2 दोनों साइड। तो ये पहले मैंने ये बनाया है फ्रंट का, फिर बैक का, और जो नेक है आप शोल्डर किस तरीके से जोड़ने हैं इसके लिए भी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। और अब नेक जो है वो मैं ऑलमोस्ट 80 फंदों पर बनाऊंगी। तो यहाँ पे 8 फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे देखेंगे हम पीछे कितने फंदे रहते हैं। यहाँ पे ये हम खुले रहने देंगे और उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है फंदे जो है दोनों साइड उठाएंगे। तो मैं ये एक बार उठा के जो है बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कितने फंदे जो है मैंने यहाँ पे उठाए हैं, कितने फंदों पर फाइनल जो है नेक बनाया हुआ है। उसके बाद मैं आपको स्लीव्स के बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो है नेक कंप्लीट तैयार हो गया है। और देखिए ये जो है मैंने यहाँ पे एक बटन होल भी बना लिया है, एक बटन होल यहाँ पे बनाया था, और ये 2 बटन वाला जो है बटन टेक मैंने फ्रंट रखा हुआ है, फ्रंट पे रखा हुआ है। और देखिए 8 फंदे यहाँ पे साइड बॉर्डर के थे, 8 यहाँ पे थे, और जो ये हमने पीछे शोल्डर्स को जोड़ा उसके बाद पीछे वाले पल्ले पर जो है हमारे पास 28 स्टिचेस रह गए थे। और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है 20 फंदे उठाए, फिर दूसरी साइड भी 20 फंदे उठाए, फिर इस तरीके से टोटल हमारे पास जो है 84 फंदे हो गए थे। तो 84 फंदे पर जो है मैंने ये नेक बनाया है। और ये 7-8 सिलाइयों के बाद मैंने जो है सिंपल तरीके से कास्ट ऑफ कर दिए हैं सारे के सारे फंदे फ्रंट साइड से। और ये धागा थोड़ा सा लंबा काटा है, मैं इसी को जो है फिर 2 बटन लगाने के लिए यूज़ करूँगी। और फिर और ये है इसकी बाजू, तो बाजू जो है मैंने इस तरीके से बनाई है देखिए। और इसमें फंदे जो है मैंने कास्टन करे थे 40, तो 40 फंदों पर ही फिर ऊपर जो है मैंने ये डिज़ाइन को बनाया है। और देखिए फंदों को बढ़ाना जो है मैंने एकदम बॉर्डर के ठीक ऊपर फ्रंट साइड से शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से जो है मैंने लास्ट जो है 70 फंदे कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट मेरे 70 स्टिचेस जो हैं वो लास्ट फंदे देखिए यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो इतना ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा लेंथ पूरा करा हुआ है। और इसकी मैं जो लंबाई है टोटल वो बताऊंगी। तो ये 70 स्टिचेस मैंने लास्ट 40 से लास्ट 70 स्टिचेस तक बढ़ाए थे। और उसके बाद थोड़ी सी लेंथ बनाने के बाद, पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है ये गोलाई बनाई है। गोलाई देखिए दोनों साइड से मैंने करी हुई है। तो ये जैसे हमने आर्म होल्स घटाए थे 4 3 2, तो पहले 4 फंदे घटाएंगे दोनों साइड, फिर 3, फिर उसके बाद जो है 2 2 2 2 2 इस तरीके से घटाएंगे और एक हमारा ये पूरा जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद हम फ्रंट साइड पे सारे के सारे फंदे जो हैं बंद कर देंगे। और ये अब ये इस तरीके से बनता है देखिए। और इसकी लेंथ जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो यहाँ से 9 इंच आता है और ये इस तरीके से लगभग 12 इंच आता है। तो अब ये सारा जो है मैं जोड़ लेती हूँ, उसके बाद फाइनल एक बार और मेजरमेंट सारी बताऊँगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा जो है बिल्कुल जुड़कर तैयार हो चुका है। तो इसके स्लीव्स किस तरीके से मैं जोड़ती हूँ ये मैंने शेयर किया हुआ चैनल पर हर वीडियो की, जो आपको हेल्प करता है बेबी सेट निटिंग में, उसकी लिंक्स जो हैं मैं डाल दूँगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शोल्डर्स कैसे जोड़ने हैं, ये बाजू जो है वो किस तरीके से जोड़ने हैं, फंदे किस तरीके से कास्ट ऑन करने हैं, नेक किस तरीके से बनाना है,
इसकी और भी वीडियोस हैं जिनके जो लिंक्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जो है वीडियो निकाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो ये फाइनली हमारा जो स्वेटर है वो तैयार हो चुका है, और इसकी मैं सिलाई के बाद एक फाइनल मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो ये इस तरीके से लेंथ जो है शोल्डर से मैं नीचे लेती हूँ, तो ये 15 इंचेस आता है। और चौड़ाई देखिए, इस पैटर्न को जब आप डालेंगे तो इसकी चौड़ाई जो आएगी 11 इंचेस आएगी। और बाजू भी मैं बता देती हूँ सिलाई करने के बाद, ये आते हैं 12 इंचेस और ये 9 इंच से हल्का सा कम हो जाता है यहाँ से। तो ये स्वेटर है, और इसके साथ मैंने बनाई है कैप इस तरीके से। कैप में जो है ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, और इसकी जो ऊपर गोलाई है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत आसान सी जो है मैंने गोलाई बनाई है, इसमें अलग डिज़ाइन है इसका, और इससे इससे रिलेटेड जो कैप से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो इसकी लेंथ भी मैं बता देती हूँ, टोटल जो लेंथ है वो 6 इंचेस है, और चौड़ाई जो है वो भी 6 इंचेस के तकरीबन है। तो देखिए इसमें जो है मैंने ये सारे में जो है सारा कैप जो है मैंने ये 10 नंबर की नीडल से बनाया हुआ है, और स्वेटर में देखिए मैंने 12 नंबर की नीडल्स को यूज़ किया है नेक के बॉर्डर में, बाजू के बॉर्डर में और इन बॉर्डर्स में। तो बाकी पूरा स्वेटर जो है मैंने 10 नंबर की नीडल पर बनाया हुआ है, और इसके साथ मैंने ये बनाई हैं सॉक्स, बहुत आसान सॉक्स हैं, और ये बेबी सेट जो है 1 से 2 साल के बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबली आएगा। तो 1 से 2 साल के बच्चे जैसे कि चलने लगते हैं, और शूज़ के साथ अगर आप इस तरीके की बनी हुई सॉक्स को पहनेंगी तो कंफर्टेबल रहती हैं। तो इन्हें भी मैंने जो है बनाना बताया हुआ है चैनल पे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ये बेबी सेट अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी तरीके से नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी मैं चैनल पे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मिलते हैं अब अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।